आज हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी, दैट इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। सबसे पहला कॉमनेस्ट कॉज है पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें द मेन थिंग, मतलब जो सिम्टम पहले दिखाता है, मतलब इरेग्युलर मेंसेस या फिर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सेकेंड सिम्टम इसका है एक्सेसिव वेट गेन, मतलब आपका बॉडी का एक्सेसिव वेट गेन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आप खाना खाते हो। थर्ड कॉमनेस्ट सिम्टम जो इसमें दिखाई देता है, मतलब फेशियल हेयर ग्रोथ, चेहरे पे ज़्यादा बाल आना या फिर एक्सेसिव एक्ने, चेहरे पे पिंपल्स आना। फिर उसके बाद में सेकेंड जो कॉज है इनफर्टिलिटी का, मतलब प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, मतलब इवन आपकी एज जो है 40 से पहले ही आपका जो ओवरीज है अंडाशय काम करना कम करता है या फिर बंद कर देता है। मतलब जो स्त्री बीज तैयार होते हैं वो बहुत कम तैयार होते हैं, तो ओवरीज जल्दी ही काम करना बंद कर देगी। थर्ड कॉमनेस्ट कॉज वुड बी एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपके यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल थिकनिंग लाइनिंग होती है, जो अस्तर होता है, वो ज़्यादा बढ़ता है, वो बाहर निकलना चाहिए। बट बाहर में निकलते अगर कहीं और जगह चिपक गया, जैसे ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, तो वहाँ पे वो ग्रो होने लग जाता है। उसके वजह से आपको पीरियड्स में एक्सेसिव अब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो दिस इज़ वन मोर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। देन द फोर्थ कॉज वुड बी ट्यूबल इनफेक्शन, मतलब ट्यूबल ब्लॉक। अगर आपकी ट्यूब्स, जो फेलोपियन ट्यूब है या फिर नलिया जिसे हम बोलते हैं, अगर उसमें कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ या फिर कुछ सीवियर रिकरेंट इन्फेक्शन के वजह से ब्लॉकेज हुआ, तो स्पर्म जो ट्रैवल करके वजाइनल ट्रैक से जाएगा वो अंडे से नहीं मिल पाएगा। उस वजह से, ब्लॉकेज के वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट रीजन वुड बी एज फैक्टर। एज दीज डेज द एज फैक्टर मैटर्स अ लॉट, मतलब आज आपका अगर एज फर्टाइल पीरियड में नहीं रहा, दैट इज मोर देन 30 to 35, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव, बिकॉज ओवरीज अपना रिस्पॉन्स कम कर देती है, यूट्राइन कैपेसिटी कम हो जाती है। तो दीज आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। थैंक यू।